जब से पीएम मोदी को जान से मारने की माओवादी प्लान का खुलासा हुआ है, तब से उनकी सुरक्षा को लेकर हर कोई चिंतित है। पीएम मोदी की सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी के पास है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी जिस बीएमडब्ल्यू गाड़ी में सफर करते हैं, उस पर किसी तरह के हथियार से हमला नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के काफिले में दो डमी कार भी होती हैं, लेकिन इधर के तीन वाकये ऐसे हुए हैं जिससे सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए हैं। हाल के दिनों में पीएम मोदी की सुरक्षा में तीन बार सेंध लगाई गई। 24 अप्रैल को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के मंडला में थे। इस दौरान सुरक्षा बलों को धत्ता बताकर एक शख्स ने पीएम मोदी से हाथ मिलाया, साथ में फोटो खिंचवाई और फिर चला गया। यहां भी एसपीजी से लेकर पीएमओ तक को कुछ नहीं पता चला। यह खबर तब सुर्खियों में आई जब इस शख्स ने खुद अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाली। इसके बाद की घटना ठीक एक महीने बाद बंगाल में हुई, जब पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। एसपीजी के कमांडो देखते ही रह गए जब एक शख्स पीएम मोदी के पास आ जाता है, एक तस्वीर गिफ्ट करता है और पैर छूकर चला जाता है। एसपीजी सुरक्षा घेरे में ये बड़ी चूक थी। इतना ही नहीं, इसके दो दिन बाद फिर से एक बार पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक होती है। पीएम मोदी जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर रोड शो कर रहे होते हैं, तो पुलिस और एसपीजी के घेरे को तोड़कर एक महिला पीएम मोदी की गाड़ी के आगे आ जाती है। सुरक्षा बल हक्के बक्के से रह जाते हैं। एसपीजी कमांडो के होश उड़ जाते हैं। हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी पर हमले की साजिश की जो चिट्ठी सामने आई है, उसमें राजीव गांधी की हत्या जैसी बात की गई है, और राजीव गांधी की हत्या एक सुसाइड बॉम्बर के जरिए हुई थी। मतलब अगर पीएम मोदी के सामने कोई आ जाता है और सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बता देता है, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा में लगे जवान सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करेंगे और पीएम मोदी भी लोगों के बीच सीधा जाने से बचेंगे। वन इंडिया हिंदी की खास रिपोर्ट में इतना ही।